नमस्कार दोस्तों, टीम इंडिया ने पांचवें वनडे में न्यूजीलैंड को करारी टक्कर देते हुए मैच में 35 रन से हरा दिया। यह मैच बेहद रोमांचक रहा और आखिरी 7 बॉल तो बहुत ही थ्रिलिंग रही, जिनमें हर मोड़ पर बाजी पलटती रही, कभी न्यूजीलैंड तो कभी टीम इंडिया भारी नजर आई। तो आपको दिखाते हैं उन 7 बॉल पर आखिर क्या हुआ। तो टीम इंडिया के लिए 44वां ओवर हार्दिक पांड्या लेकर आए और यह ओवर पारी का सेकंड लास्ट ओवर साबित हुआ कि पहली ही बॉल पर पांड्या ने सैंटनर को आउट कर दिया। अच्छा खेल रहे सैंटनर 22 रन बनाकर आउट हो गए और कीवी टीम का 9वां विकेट गिर गया। इसके बाद भारतीय फैंस झूम उठे क्योंकि अब भारत की जीत पक्की लग रही थी और पांड्या ने टीम इंडिया की वापसी करा दी थी। मगर इसके बाद मैच का असली मजा आया। इसके बाद अगली 2 बॉल पर सिर्फ 1 ही रन बना, लेकिन ओवर की 4थी बॉल पर हेनरी ने छक्का मार दिया। हेनरी ने मिड विकेट पर बॉल को स्टैंड के बाहर पहुंचा दिया। फिर ओवर की 5वीं बॉल पर हेनरी ने पांड्या को एक और छक्का लगाया। अब तो आराम से जीत रही टीम इंडिया की हालत पतली हो गई, क्योंकि हेनरी न्यूजीलैंड को मैच में वापस ले आए थे। इसके बाद आखिरी बॉल पर तो कोई रन नहीं बना। अब कप्तान रोहित टेंशन में आ गए थे और रोहित ने भुवी को बॉल थमाई। भारतीय फैंस की भी सांसें थमी हुई थी, मगर भुवी ने आते ही कमाल कर दिया और पहली ही बॉल पर ट्रेंट बोल्ट को शमी के हाथों कैच आउट करा दिया और न्यूजीलैंड की पारी को यहीं पर समेट लिया। तो इस तरह आखिरी 7 बॉल में जबरदस्त रोमांच नजर आया। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और क्रिकेट जगत की हर ताजा खबर के लिए सब्सक्राइब करें क्रिक7 यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।